दोस्तों आज तुहाडे सब नाल मैं जो कुछ बीजेपी की सरकार ने बदला खोरी की नीति के तहत कल मेरे परिवार से कई जगह के उत्ते छापे मारे इनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वालों स्पेशल दिल्ली तो जिहड़े हेड ऑफिस तो उन्होंने हदायतां सीगियां सारी टीम्स नूं उहदे बारे थोड़ा जिहा मैं तुहाडे नाल जो तथ्य ने उहदे बारे तुहाडे नाल चर्चा करना चाहुंदा। पहला तो मैं कहना चाहुंदा शुरुआत में कि बिल्कुल घबराना नहीं गा, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं। इदा दे हज़ार रेड करके देख लैन, अगर वह समझते ने बीजेपी की सरकार कि इस तरह किसी को धमका के या ईडी दे रेड करके या सीबीआई दे रेड करके साडी जुबान बंद करा लेंगे, जो असी लोगों के हकूक लिए बोलते हैं या किसान अंदोलन के हक में बोले हैं या नवरीत सिंह हुए कतल के मुतलक बोले हैं या जो तशद ढाया गया साढ़े पंजाब के नौजवान तबके के उत्ते, चाहे वह नोदीप कौर से तो चाहे वह शिव कुमार से तो चाहे वह लखे सिधाने के खिलाफ मुकदमा वा तो चाहे वह दीप सिद्धू फड़ के अंदर दिता, चाहे वह रणजीत सिंह किस तरह न लंगर चो चक के बीजेपी के आर एस एस के पेड बदमाशा ने उसनों टॉर्चर किया कुटिया, पुलिस वाले ने वो मूँह के वो पग से दाढ़ी के उत्ते पैर रख के उसको मिदण की कोशिश की, जिस तरह अमेरिका के जॉर्ज फ्लॉयड एक काले नागरिक के नाल उतों के एक गोरे पुलिस वाले ने किया, जिहड़ा कैंपेन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिहड़ा माय वॉइस अगेंस्ट अट्रोसिटीज अगेंस्ट पुलिस ब्रुटैलिटी अगेंस्ट टॉर्चर अगेंस्ट वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन दिस कंट्री, ये बंद नहीं होगी, बिल्कुल बंद नहीं होगी। और इदा दे ईडी दे नोटिसिज उन्होंने कई एक्टर्स तापसी पन्नू या अनुराग कश्यप दलजीत दोसांझ बहुत सारे पंजाब के होर होनहार आर्टिस्ट लोगों ईडी के बहुत सारे नोटिसिज इनकम टैक्स दी रेड्स हुई होनगियां, पर जिहड़ा कल उन्होंने आके मेरे हकूक के उत्ते डाका मारिया क्योंकि एक पासे पंजाब की विधानसभा का सैशन चल रहा है तो जो सवेरे टीम आई है मैं उन्होंने कहा मैं मैंबर हाँ मैं फॉर्मर लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो मैं अपना विधानसभा का सैशन अटेंड करना, तो तुम मेरी प्रेमिस मेरी कोठी मेरे घर में जिन्ना मर्जी सर्च करो जी सब के सर्च करो क्योंकि मैं तो कभी कोई मनी लॉन्डरिंग ड्रग मनी ए कोई सर कोई दूर का सरोकार भी नहीं गा, पर वो टीम उन्होंने दिल्लियों दोबारा दोबारा हदायतें आ रही सी टैलीफोन जाके सुनते बार उन्होंने साढ़े को मेरे फोन सारे रखाले खोले, मैं क्या घट्टो घट मैंने स्पीकर विधानसभा तो इनफॉर्म कर लेंगे, यू हैव टू इनफॉर्म हिम के विधानसभा सैशन में है तो तुम मैं इतने विदाउट एनी कोई इस तरह के वॉरेंट के मैं डिटेन कर रहे हो, तुम सर्च के वॉरेंट्स लैके आए सर्च कर लो, पर उन्होंने मैं विधानसभा में नहीं जान दिता। खैर जो विधानसभा के कल मेरी गैरहाजिरी में अज विधानसभा के सारिया पार्टिया के आगुआ ने मैं सारे का बहुत शुक्रगुजार है, बहुत निंदा प्रस्ताव पंजाब की विधानसभा इस कल के ईडी के रेड में लेके बदलाखोरी की राजनीति में लेके वो आ रहे हैं। मैं सब का मैं हम नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे मैंबर्स ने मेरे हक में हाँ का नारा मारे, अज नवजोत सिंह सिद्धू ने और पार्लीमेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ब्रह्म महिंद्रा जी ने तो स्पीकर जेडे राणा के पी सिंह है उन्होंने सारे ने कॉग्निजेंस लेके जिहड़ा कमर संधू एम एल ए खरड़ ने रेजोल्यूशन मूव किया उन्होंने बहुत ठोस गल्ला हाउस के ऑन रिकॉर्ड लेके मैं उन्होंने सारे का भी धन्यवाद करता। अकाली दल के भी कल मैंबर्स ने मेरे या बदलाखोरी की राजनीति को कंडेम किया, इस तरह परमिंदर सिंह ढींसा डेमोक्रेटिक अकाली दल मेरे नाल दे एम एल ए बिरमल सिंह खालसा तो जगदेव सिंह कमालू तो कंवर संधू कल सारा दिन इतने धुप्पे बाहर गेट के मोहरे खड़ के उन्होंने बहुत मदद साढ़े हक में आवाज़ उठाई। इस तरह ही कुछ ट्रेजरी बेंचेस वालों जिदा कल भी नवजोत सिंह सिद्धू ने शायद मिस्टर चन्नी ने जिहड़े साढ़े टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर उन्होंने गल की, अज मैं सुन रहा सीगा रवनीत बिट्टू ने भी ये कहा वा कि बहुत एक गंदी राजनीति देश में शुरू की गई है। दोस्तों मैं तो सिर्फ ये कहना चाहना कि जिहड़े इल्जाम मेरे ते ला रहे हैं क्योंकि अखबारां जिहड़ियां ने वो ट्यूटर्ड हुंदियां ने अखबारां ने, अज मैं चक्कियां अखबारां सोशल मीडिया तो बहुत इंडिपेंडेंट है तुसीं सारी गल मेरी सुन ली देख ली, अखबारों ने फिर लिखा सीगा कि खैराज हाउस रेडिड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग ड्रग ट्रैफिकिंग। मैं तुहानूं कहना चाहुंदा कि साडा परिवार पिछले 50 साल तो पब्लिक लाइफ च, पहला मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह वो पंजाब की राजनीति च रहे, उस बाद मैं आया वहां 50 साल में कोई तो कंप्लेंट करन वाला बंदा होगा 3.25 करोड़ आबादी चो कि इन्होंने साढ़े कोई ठगी ठोरी बारी को चलो 50,000 की कंप्लेंट कोई कढ़ के दिखा देन 50 साल किसी तरह का करप्शन का कोई स्कैंडल नथिंग एट ऑल,
जो कुछ सरकारां कर रही समय समय दियां सरकारां वो क्योंकि मैं लोगों के हकूक की गल करता बेइंसाफी के खिलाफ बोलता सरकार के खिलाफ बोलता उदो मेरी आवाज़ बंद कराने के मनसूबे बनाई है। पहला अकाली दल की सरकार ने मेरे से 6-7 परचे दर्ज किए वो वाहगुरु की कृपा न सारे हाईकोर्ट ने सारे कोश किए। हुण जो पिछली करंट टेन्योर मैं राणा गुरजीत सिंह माइनिंग माफिया मिनिस्टर के खिलाफ स्कैंडल के खिलाफ आवाज़ उठाई उन्होंने इस्तीफा देना पाया उन्होंने मेरे से नज़ला सुटते हुए सरकार ने मेरे से ड्रग्स का एक बहुत बड़ा मामला क्रिएट किया क्रिएट एबसोल्यूटली फॉल्स फ्रिवलस और वो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उस स्टे करती प्रोसीडिंग्स। हुण जब सुप्रीम कोर्ट दी प्रोसीडिंग्स किसी ड्रग मामले में स्टे ने यह ईडी का रेड उस ही मामले के दोबारा मेरे घर मेरे पिंड छापामारी की मेरे चंडीगढ़ घर में की मेरे सन इन लॉ के दिल्ली के रिहायश में उन्होंने की उस ड्रग्स मामले में कह रहे हैं इनफोर्समेंट डायरेक्टर ने मैंने नहीं कहा अखबारों में फीड किया कि ड्रग्स के मामले में रेड किया जबकि इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे किया है। और मैं कहना चाहता वा कि यह जी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है इस वक्त सारे देश व्यापक हो रही है कल मेरे से नहीं ठीक है मेरे से उन्होंने हरासमेंट की सर्च किया वो किया अखबारों एक विलीफिकेशन से करैक्टर असैसीनेशन कैंपेन चलाया पर जिन्होंने लोगों को टॉर्चर किया जिन्होंने नोदीप वर्गिया के प्राइवेट पार्ट्स से हमला किया जिन्होंने फड़ के जेलों में छोड़ दिता मेरी हमदर्दी उन्होंने नाल भी उन्होंने वास्ते मेरी आवाज़ हर वक्त उठती रहेगी। दूसरा मैं कहना चाहता कि पहला आप मनी लॉन्डरिंग की गल कर लिए मनी लॉन्डरिंग मेरे सत्कारयोग वीरों ते भैणों की होंगी है मनी लॉन्डरिंग इस जेडे लोग वड्डे कारपोरेट हाउसेज अमीर आदमी ताकतवर पोलीटिकल आदमी जिन्होंने राजसत्ता भोगी है वो अपना काला धन विदेशों में भी घुमाते हैं उन्होंने ऑफशोर अकाउंट्स होंगे ने बहुत सारे लोगों के स्विट्जरलैंड के बैंकों अकाउंट है कई बहामास के जिहड़े करेबियन आइलैंड्स आ उतों की ऑफशोर अकाउंट्स घुमा के पैसा उधरों की घुमा के या दुबई वगैरह जिथे को पुछगिछ नहीं करता सैकड़े हज़ारा करोड़ों रुपये उन्होंने कहते हैं मनी लॉन्डरिंग। तो मेरे खिलाफ जी कल सीजर तो बाद जी रिपोर्ट बनाई जो पंचनामा कहें वो की इल्जाम ला रहे हैं मेरे घरों दो डेयरीज जिड़िया कि मेरी वाइफ ने मेनटेन की अपने बच्चों की शादी की उद्देच की डिटेल से कि खाने वाले कि पैसा दिता जे कोई डेकोरेशन वाले से उन्होंने कि पैसा दिता लाइट एंड साउंड वाले कि पैसा दिता वो सारिया डेयरिया सीज करके ले गए हैं। और दो शादियां मैं कीतियां पहला अपनी बेटी की फिर अपने बेटे की और वो सारा पर्सनल रिकॉर्ड चक के और तुम हैरान होवोगे एक वट्सएप मेरी बेटी ने मैनू या मैं भेजे अपनी बेटी को मैसेज सिमर दूँ कि मेरा एक MLA है परमल सिंह भदौड़ उन्हें 3 कैंसर पेशेंट्स की डिटेल मैंने फॉरवर्ड की क्योंकि मेरी बेटी कह रही थी कि मैं भी कोई किसान अंदोलन में योगदान पाना चाहनी हूँ उन्होंने चलो जो दिल्ली पाया वो अलग है पर कहते होर असं मदद करना चाहते हैं तो वो जो 3 कैंसर पेशेंट्स का रिकॉर्ड से वट्सएप चैट सी जिन्हों परिवारों उन्होंने 20-25 हज़ार रुपया उन्होंने अकाउंट्स में पाया वो जी उन्होंने अकाउंट डिटेल से उत्तर लिखा वा कैंसर पेशेंट अकाउंट डिटेल्स वो भी वट्सएप की चैट बना के मनी लॉन्डरिंग पा के वो लेके गए हैं। कई पेजिस के उत्ते लिखा सीगा कि शादी के दौरान कि असी शगन 25 डब्बे लड्डूआ लैके जाने ने या काजू की बर्फी लैके जानी या ड्राई फ्रूट लैके जाना उसे फिर मेरे साइन कराए इस दिस मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग मैं कहना चाहता कि उस समय परमात्मा वाहेगुरू तो डर के कहना मैं सारी जिंदगी कभी कोई गलत काम नहीं किया जे किया हों फिर मैं उन्होंने आवाज़ा सारे पंजाब च उठनिया चाहिए सी। सो परसनल मैं अपनी गल कहना चाहता हालांकि ये फोरम नहीं गा पर सिर्फ तुहानू दसण वास्ते कि मनी लॉन्डरिंग की होंगी है तो मेरे से इल्जाम ला रहे मैं जो कुछ भी पिछले समय किया सारा कुल मिला के जो अपने जिम्मेवारियां अदा कीतियां एज अ पेरेंट मेरे से इस वक्त ऑलमोस्ट कोई 2-2.5 करोड़ रुपए का कर्जा वा जिहड़े बंदे ते कर्जा वा और कर्जा ऑन रिकॉर्ड है मेरिया एग्रीकल्चर जिहड़ी लैंड है साडी उहनू गिरवी रख के बैंकों तो एग्रीकल्चर लिमिट्स बनाईआं होईआं सी उहदा 10% ब्याज लगता हर साल हुण 2-2.5 करोड़ नूं 20-25 लाख रुपया ब्याज लगता और मेरे को कई बार ब्याज देने के पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने दोस्तों मित्रों को रिश्तेदार को अपनी बेटी या अपने परिवार के मैंबर्स को पैसा फड़ के तो मैं वह इंट्रस्ट भर दाँ जी मेरे को इदा ही पैसा हो पहला तो मैं अपनी लिमिट्स भरा मैं 20-25 लाख रुपया बैंक में क्यों अदा करा इस करके उन्होंने कुछ नहीं मिले। और मेरे पिंड बहुत सारिया सर्चस बहुत बेतुकिया गलों मनी लॉन्डरिंग जोड़ के एवं वो अपना डिटेल बना के लै गए उन्होंने संग आती कि हम असं की कहे कि असी मनी लॉन्डरिंग के आधार उत्ते आए तो लभ्या की हूँ आ गई ड्रग्स की गल
ड्रग्स दे विच एक नवे पैसे का उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं सी, एक नवे पैसे का। बट अखबारां लिखी जांदियां ने खैराज हाउस रेडेड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड ड्रग्स। मेरी उस मीडिया में भी मेरी हाथ जोड़ के बेनती कि तुम किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करने लगे, कलम ना लिखने लगे, दो मिनट सोचा करो। अगर यही इल्जाम तुहाडे ते लगदे होण ते होण बेबुनियाद ते तुहाडे ते की बीतती होगी। इसलिए मेरे वीरों भैनों सत्कारयोग विश्व च बैठे पंजाब के लोगों को मैं तुहाडे अगे सिर झुकाउणा वा। तुसी सब ने मेरी बड़ी मदद की, अज की नहीं लगातार। जे तुसी साथ ना दिंदे होंदे तो हुण तक तो मैनू मधोल के रख देना, सरकारां ने अंदर सुट देना सीगा। पर पिछे की कहिंदे होंदे आ, आवाज़े खलकत नगारा ए खुदा, लोगों की आवाज़ रब की आवाज़। तुहाडियां अरदासां इन्नियां काम आईयां कि मैं मुश्किल तो मुश्किल हालातों विच दी लंघ गया। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सीगा जदों मेरे ते हमला किया गया, आही इल्जाम ड्रग्स मनी लॉन्ड्रिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। बट वह तुहाडे अरदासां दे करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उसनों स्टे किया। ये दौरान बड़े जजेस के स्कैंडल एक्सपोज किए, उसकी ऑडियो क्लिप आई जिसने मेरे खिलाफ हाईकोर्ट का फैसला दिता सीगा। उसकी ऑडियो क्लिप के 25-35 लाख रुपया उसने एक आदमी को कम रिश्वतखोरी च लिया। सरकार ने उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने तोहफा दिता, उन्होंने बाद में एजुकेशन ट्रिब्यूनल का मैंबर बना दिता वा, उसी जज ने जिन्हें मेरे केस को रिजेक्ट करने लिए डिसमिस करने लिए पैसा लिया। सो कड़ी नाल कड़ी वो जुड़ गई सी। इस करके मैं ये प्रण करदा वा कि यह जी आवाज़ पहला बोलते रहे चकते रहे नवरीत के हक में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये होर तेज़ करांगे। और मैं एक दो दिन बाद मैं प्रोग्राम देना वा, तो मैं उस किसान अंदोलन में जाना वा दोबारा। जे BJP या सरकार ये समझती है कि तुम इदा दियाँ गिदड़ भुक्कियां दे नाल परचे दर्ज करके साढ़े रेड मार के तुम इस गल तो सानू पिछे हटा दोगे, तुम नहीं ही हटा सकते। जान तो सब ने एक दिन देनी है उस परमात्मा वाहिगुरू, सब ने चले जाना मेरे वीरों, इतों किसी ने नहीं रहना पक्के तौर पर। इसलिए जो आप अपनी जमीर बेच दें या घबरा जाने या डर जाने फिर अंदरों आदमी अल्टीमेटली एक उसकी कायर वाली मौत हो जाती है। सो कायर नालों मरण नालों जरूरत नाल गल कह के अपनी पूरी गल पक्ष रख के अगर तुहाडा नुकसान नहीं हुंदा तो फिर दिखी जाऊगी। मैनू कोई जेल जाने तो भी डर नहीं। अगर उन्होंने लगता ना कि कोई किसी जेल भेज के बहुत व्डा असी प्राप्त कर लाँगे, डजन इफेक्ट नहीं। क्योंकि मेरे पिता जी सरदार सुखजिंदर सिंह, मैं जो छोटा ही सीगा एमरजेंसी में उन्होंने पहला 19 महीने जेल कट्टी, मैं छोटा जहा सीगा जो उन्होंने फिरोजपुर जेल में मिलन जाता से। उस तो बाद उन्होंने नैशनल सिक्योरिटी एक्ट लाया से, उस वेले एक काला कानून सीगा कि एक साल तुसी विदाउट गिविंग एनी साइनिंग एनी रीजन और एनी अपील तुसी किसी भी डिटेन कर सकते हो। वो नैशनल सिक्योरिटी एक्ट में मेरे पिता जी ने कितने कितने जेलां कट्टियां ने, एक पूरा साल अगरतला में त्रिपुरा च कट्टिया, वैसट बंगाल तो परे एक छोटी जी स्टेट, उस तो बाद क्यूंझर इन उड़ीसा, फतेहपुर सिकरी इन उत्तर प्रदेश, हजारीबाग इन बिहार, एंड तिहाड़ जेल बहुत लंबा अरसा, अंबाले की जेल, चंडीगढ़ की बुड़ैल जेल, जलंधर की जेल, कपूरथले की जेल। सो इन्हों लगता कि इदा वो डरा लेंगे सानू, नैवर एवर। सो बस तुम्हें मैं ये कहना चाहता सीगा कि मेरी आवाज़ कायम है और तुहाडा सारिआं दा मैं शुक्रिया अदा करना। जिहड़ी पोलीटिकल पार्टियां लीडरां ने कीता, मैं कहिंदा सब दे नाम नहीं लै सक रहा, मैं उन्हां दा भी शुक्रिया अदा करदा। तो दुनिया भर च वर्ल्ड वाइड जिहड़ा लोगों ने साडे लई अरदास कीती है उन्हां सब दा मैं शुक्रिया अदा करदा और धन्नवाद करदा। और मैं उस परमात्मा वाहिगुरू दे तो डर के कहना कि इन्हां चों कख नहीं निकलेगा और आपां बिल्कुल क्लीन एंड नीट, जिद्दां पहलां जो कुछ अपने ते हमले किया आपां उहदे चों बेदाग होकर निकलांगे तुहाडियां अरदासां दे नाल ते उस वाहिगुरू दे उहदी अपार अपार कृपा दे सदका। सो तुहाडा सारिआं दा शुक्रिया अदा करदा हाँ। और मैं तुहानूं कहूँगा कि किसी भी इस तरह के बन घड़त झूठे इल्जामबाजी विच काम नहीं। कुछ लोग बड़े सड़े जे ने फेसबुक पर फिर भी लिखी जाते हैं कि BJP इनू पता नहीं की परचा दर्ज करके चमका रही है, हीरो बन रही है। फेसबुक पर इदा दरतूत भैड़िया गल् लिख के तुम पता यदा की हशर हों, तुहाडे कभी परचा दर्ज होया वा, तुहाडे घर कभी वर्दी धारियां ने आके तुहाडियां औरतां ते तुहाडे परिवार के सामने रीड किया वा, कभी जेल जाके देखा वा, कभी किसी थाने भी जाके देखा वा। फेसबुक पर तो लिखना बड़ा सौखा कि फलाने ने आ करता जी, ये तो मैनू कुछ लोग कहें ड्रग माफिया का नड़ा। जे ड्रग माफिया ने रहना कोई तो सबूत तो दौ फिर मेरे वीरों। देयरफोर इस तो ज़्यादा मैं उन्होंने बारे भी नहीं करना चाहता, उन्होंने कहना इस हेट मोंगर्स नू, ट्रोलर्स नू, जिहड़े अन्ने जे भगत बने फिरदे आ फजूल लोगों के जिन्हों का पंजाब नाल कोई सरोकार नहीं गा, प्लीज स्टॉप राइटिंग बैड लैंगुएज। मैं भी तुहाडे अगर चाहवां मैं तुहाडी कल्ले कल्ले की स्क्रीनशॉट पुलिस में हैंडओवर कर सकदा, तुहाडे केस रजिस्टर करा सकदा, बट आई डू नॉट इंडल्ज इन दिस पॉलिटिक्स ऑफ विलिफिकेशन, वेंडेटा, विंडिक्टिवनेस। इस करके मैं जो अपना काम करते रहना, तो आने वाले दिनों किसान अंदोलन में आप जो जाना वा तुम सबनों कॉल दूंगा जो समझते हो
कि हाँ आप इस अंदोलन भी मजबूत करना, अपने नौजवानों की हिफाजत भी करनी, तुम सारे मेरे नाल भी चलन का कृपालता करनी। तुहाडा सारयां दा एक बार फिर शुक्रिया अदा करदा धन्यवाद करदा, बहुत शुक्रिया। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की।